हमीरपुर में जिक्सा डांस स्टूडियो का शुरू किया हुआ है। इस स्टूडियो का हमारा एक लक्ष्य है कि बच्चों को डांस तो सिखाएंगे, डांस के साथ बच्चा आगे भी जाए, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। इसके लिए हमने स्पेशलिस्ट दिल्ली से कोरियोग्राफर बुलाए हैं और यहाँ पर बच्चों को नए नए तरीके से अपने डांस सिखाते हैं। तो इसका जो पहला एक हमारा अचीवमेंट था, हमारी जो बच्ची है किसमें कितना है दम, उसमें सेकंड रनर भी रही है। आने वाले टाइम में हिमाचल में या इंडिया लेवल पे या जो हमारी कंट्री लेवल पर जो कॉम्पिटिशन होते हैं डांस के, उसके लिए बच्चों को तैयार करवाएंगे। हमारा एक लक्ष्य है बच्चों को डांस सिखाना नहीं है, बच्चा डांस तो सीखे ही पर उसके आगे भी जाए। तो इसके लिए हमारे ये अतरिश ठाकुर जी हैं, ये कोरियोग्राफर हमने स्पेशलिस्ट दिल्ली से बुलाया है। तो ये आपको बताएंगे डांस के बारे में, कौन कौन से डांस ये सिखाते हैं और इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स है, तो ये आपको अभी बताएंगे। पहले तो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा जो आप लोगों के लिए मेरे को दिल्ली से बुलाया, क्योंकि आपके बच्चों को जो डांस की नॉलेज होती है वो पता नहीं होती है, और प्लस डांस तो दुनिया सिखा रही है आजकल, जो रियल नॉलेज चाहिए होती है वो बहुत कम जगह मिलती है। अब सर ने मेरे को दिल्ली से इसलिए बुलाया क्योंकि बच्चों को डांस सीखने प्लस नॉलेज भी चाहिए होती है, क्योंकि आपका बच्चा डांस तो सीखेगा ही, साथ में उसको रियल नॉलेज मिलेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, डांस के साथ साथ मुझे क्या सीखना है क्या नहीं सीखना। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हाउस और हिप हॉप एक डांस फॉर्म है, नहीं, वो एक कल्चर है जो अमेरिकन में जमा था एक टाइप से। अब उसको लोग सोचते हैं वो एक स्टाइल है, नहीं, वो स्टाइल नहीं है, कल्चर है जिसमें फाइव एलिमेंट्स होते हैं। अब हम बच्चों को फाइव एलिमेंट्स बताते हैं रोज, जिससे कि वो नई नई चीजें सीखते हैं कि सर डांस के जो ये पार्ट्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं। अब हम उनको ये सिखाते हैं और बच्चों को सिखाऊंगा कि वो रियलिटी शोज में कैसे जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अब रियलिटी शोज में जो है ना, अब अगर आप इंग्लिश सॉन्ग लेके जाते हो तो उसमें हमारे इंडिया की जो है ना एक तरीके से अच्छा नहीं लगता। अब हम रियलिटी शोज में जाने के लिए हम बॉलीवुड सॉन्ग्स चूज करते हैं जो किसी डांसर को पता नहीं है, हम वो सोचते हैं कि इंग्लिश सॉन्ग कराएंगे हम और बच्चे रियलिटी शोज में सेलेक्ट, नहीं, हमारे जो बॉलीवुड है तो हम अपने इंडिया को बॉलीवुड सॉन्ग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें हम कोई इंग्लिश सॉन्ग नहीं उठा सकते, उससे हमारा बच्चा रियलिटी शोज क्या एक स्टेज शो भी सिलेक्ट नहीं कर पाएगा अपने लिए। तो हम उसको बच्चे को रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए बताएंगे कि उसमें हमारा बॉलीवुड का सॉन्ग चलता है रियलिटी शोज में सिलेक्ट होने के लिए, और उसमें डांस नहीं चलता, उसमें क्रिएटिविटी चलती है, मतलब यूनिक कि आपका बच्चा क्या करता है, वो यूनिकनेस हम करेंगे आपके बच्चे के अंदर, और जो आपका बच्चा अच्छा कर सकता है रियलिटी शोज में, जिससे आपके लिए कॉल आ सकते हैं घर पे। अभी आप कंपटीशन करते हो तो उसमें आपका बच्चा खाली कंपटीशन तक का सोचता है कि हाँ अभी मैंने कंपटीशन किया, फिर अगर वो कंपटीशन जीत जाता है तो उसके मन में आती है कि अब मुझे टीवी पर जाना है, एकदम से बच्चे के अंदर आती है टीवी पे दिखना है मुझे, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। उसके लिए बच्चे को हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि एक घंटे में तो कुछ नहीं होता, मिनिमम दो घंटे प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो एकदम पानी पीते हैं बच्चे, नहीं, वो भी गलत होता है क्योंकि एकदम पानी पीने लगते हैं तो सारी बॉडी ठंडी हो जाती है। आपने देखा होगा जैसे गर्म चीज है अगर उस पर आप पानी डालोगे तो एकदम से फॉग निकलती है, धुआं निकलता है, ऐसे हमारी बॉडी गर्म होती है और हम पानी पीते हैं ना तो अंदर बॉडी जल जाती है, वो किसी को नहीं पता, और बच्चे खड़े होकर पानी पीते हैं, नहीं, हम ऐसा करते नहीं है। अब प्लस अब रियलिटी शोज आ रहे हैं, यहाँ पे काफी रियलिटी शोज होते हैं, हम उसके लिए रेडी करेंगे बच्चे। देखा जो हमारे कोरियोग्राफर हैं उनको थोड़ा सा डांस के बारे में आपको बताया। अभी आप और जानने के लिए आप यहाँ पर हमारी एकेडमी में विजिट कर सकते हैं, इनके साथ अपने बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं कि आपका बच्चा डांस की फील्ड में कहाँ तक आगे जा सकता है, तो उसके बारे में आइए आप यहाँ पर मिलिए, इनके साथ मिलिए, हमारे साथ बात कीजिए कि किस तरह से आपका बच्चा आगे जा सकता है, काउंसलिंग कीजिए। तो मेरा तो यही है एम है कि यहाँ पर हमीरपुर का बच्चा हमीरपुर को ही रिप्रेजेंट ना करे, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में अपना नाम बनाए और हिमाचल प्रदेश का नाम आगे बढ़ाए। हम इसी लक्ष्य को लेकर आगे चलेंगे, हम चाहेंगे आपका बच्चा आगे से आगे जाए। थैंक यू वेरी मच।